नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 15 के घर के अंदर ग्रैंड फिनाले एपिसोड जो है बहुत जल्द होने वाला है। बहुत जल्द बिग बॉस का 15वां सीजन जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में आप सभी दर्शकों के मन में एक सवाल चल रहा है कि कौन से वो 5 महारथी हैं जो कि बिग बॉस सीजन 15 के फिनाले में नजर आएंगे, ट्रॉफी को उठाने की रेस में आगे चल रहे हैं। कौन कौन से हैं वो कंटेस्टेंट, क्योंकि इस वक्त बिग बॉस सीजन 15 के घर के अंदर पांच कंटेस्टेंट जो हैं आगे बढ़ेंगे और 5 कंटेस्टेंट जो हैं उनका एविक्शन होने वाला है। और साथ ही साथ आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको यही बात बताएंगे दोस्तों कि 5 वो कंटेस्टेंट कौन कौन हैं जो कि पीछे रह जाएंगे और 5 वो कंटेस्टेंट कौन कौन है जो कि आगे निकल जाएंगे। टॉप 5 कंटेस्टेंट कौन कौन है ये बात हम आपको पूरे विस्तार से बताने वाले हैं आज के खास रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं दोस्तों कि इस पूरे के पूरे हफ्ते में आप सभी दर्शकों ने बहुत सारे खेल देखे, अलग अलग कंटेस्टेंट के अलग अलग खेल आप सभी दर्शकों ने देखा और उन खेल के आधार पर, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, उनके व्यक्तित्व के आधार पर और साथ ही साथ उनको अलग अलग पोल में कितना वोटिंग मिल रहा है उनके आधार पर हमने एक टॉप 5 की लिस्ट जो है वो निकाली है। अब जिसमें 5वें नंबर से हम शुरुआत करते हैं, 5वें नंबर पर आते हैं प्रतीक सहजपाल। प्रतीक सहजपाल जो कि किसी वक्त में टॉप 3 में थे, टॉप 4 में थे, अब 5वें पायदान पर खिसक गए हैं। अब प्रतीक सहजपाल के खेल को तो पसंद किया जा रहा है लेकिन उस तरह से कंटेंट जो है वो जनरेट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से तलाश है शो के मेकर्स को, इसी वजह से प्रतीक जो है 5वें पायदान पर आते हैं। हालांकि प्रतीक काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। 4थे नंबर पर जिनका प्रमोशन हुआ है उनका नाम है शमिता शेट्टी। जी हाँ, शमिता शेट्टी बीते कुछ दिनों से एक अलग तरीके का इनका व्यक्तित्व जो है स्ट्रॉन्गली निकल कर सामने आया है जो कि ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा भा रहा है। अगर चाहे इनके रिलेशनशिप के बारे में अगर हम बात करें तो निशांत भट्ट से इनके अच्छे टर्म्स हैं, उमर रियाज से अच्छे टर्म्स हैं, रश्मि देसाई से अच्छे टर्म्स हैं, प्रतीक सहजपाल के साथ अच्छे टर्म्स हैं, करण और तेजू के साथ भी उतने बिगड़े हुए नहीं हैं इनके टर्म्स। तो इसी वजह से 4थे नंबर पर आती हैं शमिता शेट्टी। 3रे पायदान पर कौन है, तो 3रे पायदान पर भारी नुकसान हुआ है उमर रियाज को। 3रे पायदान पर उमर रियाज हैं, हालांकि मतलब नुकसान नहीं हुआ, एक तरीके से उनको फ़ायदा हुआ है लेकिन इनके फैंस जिस तरह से इन्हें देखना चाहते हैं वो पायदान पर इन्हें नहीं मिल पा रही है, वो जगह उन्हें नहीं मिल पा रही। इनके फैंस जो है इन्हें नंबर 1 पर देखना चाहते हैं लेकिन नंबर 1 पर ये हालांकि अभी नहीं है, 3रे पायदान पर है। और 2रे पायदान की अगर हम बात करें और पहले पायदान की बात करें तो पहले पायदान पर है करण कुंद्रा और 2रे पायदान की हम बात करें तो तेजस्वी प्रकाश है। तेजस्वी प्रकाश को यहाँ पर नुकसान हुआ है और तेजस्वी और करण के बीच में अगर वोटों का अंतर, वोटों का फासला अगर हम देखें तो काफ़ी लो मार्जिन है, दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो काफ़ी कम है वोटों का और दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और बिग बॉस सीजन 15 के ग्रैंड फिनाले एपिसोड में भी सलमान खान की एक तरफ तेजस्वी होंगी और दूसरे तरफ होंगे करण कुंद्रा। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही दोस्तों। इस वोटिंग ट्रेंड पर आप क्या कहना चाहते हैं और जो रैंकिंग दी गई है उससे आप खुश हैं या फिर नहीं, कमेंट के थ्रू आप हमें ज़रूर बताएँ।